साल 1969 सितंबर महीने की पहली तारीख और सुबह के 6 बजे का वक्त। लीबिया के लोग अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे थे। उस सुबह जब उन्होंने अपने रेडियो सेट को ऑन किया तो एक ऐलान सुनाई दिया जो तय रूटीन से अलग था और इसके बारे में उन्हें रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी। लोगों की उत्सुकता का ग्राफ अचानक से ऊपर चला गया। उन्होंने अपने कान रेडियो सेट के स्पीकर पर सटा दिए। उधर से एक रौबदार आवाज गूंज रही थी, लीबिया के मेरे प्यारे लोगों, आपकी सेना ने रूढ़िवादी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है। अब से लीबिया एक स्वतंत्र और संप्रभु देश होगा। इसे लीबियन अरब रिपब्लिक के नाम से जाना जाएगा। इसमें ना कोई मालिक होगा ना गुलाम, इसकी बजाय सभी आपस में एक होंगे जो भाईचारे और समानता का झंडा बुलंद करेंगे। लीबिया की जनता ने यह आवाज़ पहले नहीं सुनी थी और ना ही वो इसके पीछे के चेहरे को पहचानते थे। हालांकि कुछ दिनों बाद ऐसा नहीं रहा, क्योंकि तब तक लीबिया की गली गली में मुअम्मर मोहम्मद अबू मिन्यार गद्दाफी का नाम गूंज चुका था। 27 साल का वो नौजवान सैनिक बेदुइन कबीले से ताल्लुक रखता था। पिता मामूली हैसियत वाले व्यक्ति, पर बेटे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं। लीबिया में बेदुइन कबीले को निचले दर्जे का माना जाता था। इसके चलते गद्दाफी को स्कूल में भेदभाव झेलना पड़ा, पर उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि मिशन बड़ा था। गद्दाफी का बड़ा मिशन क्या था? लीबिया के कच्चे तेल के भंडारों पर लीबिया की जनता का हक स्थापित करना और इसके लिए विदेशी प्रभुत्व को चुनौती देना। लीबिया जो एक देश था 1951 में आज़ाद हो चुका था, पर आज़ादी कहने भर की थी। किंगडम ऑफ लीबिया के पहले राजा इद्रिस कठपुतली थे। पश्चिमी देश चाबी भरते और राजा साहब कर्तव्य दिखाना शुरू कर देते। ऐसे में 50 के दशक के आखिर में लीबिया की किस्मत बदली। कैसे? वहां कच्चे तेल के अकूत भंडार मिले। इद्रिस ने ये भंडार औने पौने दाम पर पश्चिमी देशों की कंपनियों को बेच दिए और जो पैसे मिले उन्हें अपने घर परिवार में बांट दिया। यानी लीबिया के संसाधनों की लूट जारी थी। आम लोगों तक बचे कुचे टुकड़े पहुंच रहे थे और इन सब के बीच जो कोई राजा का विरोध करता उसे मौत की सजा मिलती। यही सब देखकर गद्दाफी ने अपना मकसद तय किया। उसे प्रेरणा मिली पड़ोसी मुल्क इजिप्ट से। 1952 के साल में इजिप्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल गमाल अब्दुल नासिर ने एक रक्तहीन क्रांति करके इजिप्ट से राजशाही का चैप्टर बंद कर दिया था। गद्दाफी इसी नासिर को अपना हीरो मानता था, इसलिए उसने पहले आर्मी में दाखिला लिया, फिर नासिर की ही तरह फ्री ऑफिसर्स नाम का गुट बनाया। ये कुछ चुनिंदा आर्मी अफसर थे जिनकी गुप्त मीटिंग होती थी और ये लोग अपनी सैलरी का हिस्सा एक फंड में जमा करते थे। साथ में ये करते थे एक मौके का इंतजार, और वो मौका कयामत की वो रात आई 31 अगस्त 1969 को। रात के 2:30 बजे ऑपरेशन जेरूसलम शुरू हुआ। लीबिया के दूसरे सबसे बड़े शहर बेनगाजी की बरका छावनी में गद्दाफी की एंट्री हुई। अफसरों पर हथियार ताने गए। जवाब में छावनी के अफसरों ने हाथ खड़े कर दिए। ये सरेंडर का संकेत था। बिना खून बहाए बेनगाजी गद्दाफी के कब्जे में आ चुका था। तब तक उसके दूसरे साथी बेनगाजी से राजधानी त्रिपोली की तरफ रवाना हो चुके थे, रेडियो स्टेशन, एयरपोर्ट, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज पर कब्जा करने के लिए। वो सफल रहे। जब ये सब हो रहा था तो राजा इद्रिस क्या कर रहा था? वो तुर्की गया था अपने इलाज के लिए और उसे वापस आने का मौका तक नहीं मिला। बाद में निर्वासन में ही उसकी मौत हो गई। तो सितंबर 1969 की जो अगली सुबह थी वो लीबिया और वहां के लोगों के लिए उम्मीदों की सुबह थी। उन्हें लगा तानाशाही के युग से मुक्ति मिल गई, अब मुल्क में शांति होगी, फिर से निरंकुशता नहीं झेलनी पड़ेगी। पर यह सब कुछ एक दिवा स्वप्न साबित हुआ। क्रांति के 42 बरस बाद 22 फरवरी 2011 तक ये दिवा स्वप्न की कल्पना चलती रही। ये कल्पना की सुबह फिर आएगी। एक बार फिर इस तारीख को कुछ हुआ। मुअम्मर गद्दाफी भाषण दे रहा था स्टेट टीवी पर। उसके चेहरे से इस दफा गुस्से के साथ साथ डर भी झलक रहा था। वो अपने ही लोगों को धमका रहा था। गद्दाफी ने अपने भाषण में जेंगा जेंगा शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदी में इसका मतलब होता है गली गली। उसने कहा, मेरे आदमी तुम्हें गली गली में घर घर में घुसकर मारेंगे, मैं लीबिया को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन ये भाषण देने के बाद गद्दाफी को जाना पड़ा, भागना पड़ा, क्योंकि उसके सर के ऊपर नाटो सेना के फाइटर जेट थे और नीचे जनता उसके खून की प्यासी हो चुकी थी। इसके कुछ दिनों बाद ही गद्दाफी के काफिले पर हमला हुआ। उसने भागकर छिपने की कोशिश की, असफल रहा। जिस जनता ने उसे एक वक्त अपने सर पर बिठाया था उसी ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। क्रांति का नायक रहा मुअम्मर गद्दाफी, उससे लोगों का मोह भंग क्यों हुआ?
उसे कुर्सी से उतारने के बाद लीबिया का क्या हुआ, और अहम सवाल कि आज के दिन लीबिया और गद्दाफी की चर्चा क्यों हो रही है, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। दुनियादारी में सबसे पहले समझते हैं कि गद्दाफी की सत्ता का चाल चरित्र कैसा था। इद्रिस का तख्ता पलट करने के बाद रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल यानी RCC की स्थापना की गई थी। ये काउंसिल लीबिया की अस्थायी सरकार की तरह थी। गद्दाफी इसका मुखिया बना। कहते हैं कि तख्ता पलट क्रांति एक बार में खत्म नहीं होती, इसकी कम से कम दो लहर जरूर आती हैं। गद्दाफी के साथ भी ऐसा हुआ। सत्ता नशी होने के कुछ ही महीने बाद उसे उतारने की कोशिश हुई, मगर वो चालाक था, उसे अंदेशा था, एक कदम आगे की चाल सोच चुका था, इसलिए साजिश नाकाम रही, गद्दाफी बच गया। फिर 70 के दशक की शुरुआत में गद्दाफी के सामने चुनौती नहीं बची तो उसने अपना ध्यान राजकाज पर लगाया। शासन के आरंभ में उसने 3 अहम काम किए। पहला, पश्चिम की तेल कंपनियों पर नकेल कसी। एंथनी सिम्पसन्स ने दुनिया की 7 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर द 7 सिस्टर्स नाम से एक किताब लिखी है। इसमें उसने एक किस्से का जिक्र किया है जो लीबिया और गद्दाफी से जुड़ा है। वो लिखता है कि लीबिया का प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम जालौद गद्दाफी का करीबी दोस्त था। जब वो तेल कंपनियों के साथ मीटिंग के लिए जाता, उसकी कमर में बंदूक ठुसी रहती। मीटिंग शुरू होते ही वो बंदूक निकालकर मेज पर रख देता। इससे तेल कंपनियों में खौफ बढ़ा। वो गद्दाफी की शर्त पर काम करने के लिए राजी हो गए और इसके बाद तेल भंडार पर पहला हक लीबिया के लोगों का हो गया। इस आमदनी को जनता के लिए खर्च करना शुरू किया गया और इसके बदले में गद्दाफी ने जनता की वफादारी खरीदी और जो फिर भी खिलाफ गए उन्हें किनारे कर दिया। दूसरा कदम उसका, जब आमदनी बढ़ी तो गद्दाफी मल्टीनेशनल हो गया। उसने दुनिया भर में चरमपंथियों को पैसे और हथियार की सप्लाई शुरू की, चाड, फिलिस्तीन, लेबनन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में। उसने आतंकी घटनाओं के दोषियों को अपने यहाँ शरण दी। बर्लिन के एक क्लब में बम धमाका और लॉकर बिल में पैसेंजर प्लेन को उड़ाने के पीछे भी गद्दाफी का हाथ था। कई बरस बाद उसने इन घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया, हालांकि वो इनमें सीधे तौर पर अपनी संलिप्तता से इनकार करता रहा। उसका तीसरा अहम काम, गद्दाफी ने लीबिया के शासन के लिए नई थ्योरी दी। दावा किया कि ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म से अलग है। एक किताब भी लिखी या लिखवाई होगी, नाम था ग्रीन बुक। लीबिया में हर किसी के लिए ये किताब पढ़ना और इसके लिखे को मानना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा वो जो रिवोल्यूशनरी काउंसिल थी, जाहिर सी बात है, उसको भंग कर दिया गया और ऐलान किया गया कि सरकार पीपल्स कांग्रेस की मदद से चलाई जाएगी। गद्दाफी ने खुद कोई पद नहीं लिया, खुद को ब्रदर लीडर और गाइड ऑफ द रिवोल्यूशन घोषित किया। बाहर से देखने पर लगा लीबिया में लोकतंत्र आ गया, लेकिन अंदर गद्दाफी बॉस था और बाकी सारी संस्थाएं उसकी हां में हां मिलाने का काम करती थी। हम जानते हैं, जब सत्ता के सामने चुनौती खत्म हो जाती है तब शासक घमंडी हो जाता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ एक रंग में दिखने लगता है। ऐसे में अगर कोई शासक को आईना दिखाए तो वो बौखला जाता है और हर युक्ति लगाकर अपना भरम कायम रखना चाहता है। ऐसा ही गद्दाफी के साथ भी हो रहा था। साल 1984 की बात है, जून का महीना, बेंगाजी के बास्केटबॉल स्टेडियम में नौजवानों की भीड़ जमा थी। उन्हें कॉलेजों से बस में भर कर लाया गया था एक तमाशा दिखाने के लिए। जब स्टेडियम भर गया तब एक व्यक्ति को स्टेज के बीच में लाया गया जिसका नाम था सादिक हमीद सुवेदी, उम्र 30 साल। सादिक की पढ़ाई अमेरिका में हुई थी। वो अच्छी खासी नौकरी छोड़कर फिर लीबिया आ गया था और बहुतों की तरह वो भी गद्दाफी के शासन से नाराज चल रहा था। एक दिन उसे उसके घर से उठाया गया, ट्रायल का ड्रामा हुआ और सजा वहां पहले से तय थी। फिर बेंगाजी स्टेडियम का सब में क्या, बेंगाजी स्टेडियम में उसकी सजा की प्रदर्शनी लगाई गई थी। सादिक को गुनाह कबूलने के लिए विवश किया गया, फिर उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया और जब उसका शरीर छटपटा रहा था उसी समय हुदा नाम की एक महिला भीड़ से निकल कर आई और सादिक का पैर पकड़कर झूल गई। कुछ ही सेकंड में सादिक का शरीर लाश में तब्दील हो गया। इस पूरी घटना का लाइव प्रसारण TV पर किया जा रहा था। गद्दाफी को हुदा का रवैया पसंद आया और उसे सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हुदा को आज भी जल्लाद हुदा के नाम से याद किया जाता है। सादिक सुवेदी कांड के जरिए गद्दाफी ने 2 मकसद हासिल किए थे। अगर विरोध किया तो सादिक की तरह सरेआम टांग दिए जाओगे और साथ दिया तो हुदा के जैसा इनाम मिलेगा। एक और कहानी सुनिए गद्दाफी की। साल 1996 की बात है, राजधानी त्रिपोली की अबू सलीम जेल में 3 मुजाहिदीन लाए गए। ये लोग सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान गए थे, बाद में पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए और फिर उन्हें लीबिया डिपोर्ट कर दिया गया। इन तीनों ने जेल से भागने का प्लान बनाया। 28 जून को उन्होंने कुछ सेल का ताला तोड़ा और कैदी भागने ही वाले थे कि गार्ड्स ने गोलीबारी शुरू कर दी,
इसमें 7 लोग मारे गए और 120 घायल हो गए। फिर जेल अधिकारियों और कैदियों के बीच समझौता हुआ। जेल अधिकारी बस लेकर आए और घायलों को अपने साथ ले गए, लेकिन इन घायलों को फिर कभी नहीं देखा गया। अगले दिन कुछ कैदियों को हटाकर दूसरी बैरक में रखा गया। जो बच गए उनके ऊपर 2 घंटे तक लगातार गोलियां बरसाई गईं। इसमें कम से कम 1200 लोग मारे गए। इनमें छोटे मोटे अपराधों के लिए बंद किए गए लोग भी थे। अधिकांश कैदियों ने तो अदालत का मुंह तक नहीं देखा था। मारे गए लोगों की लाशों को जेल के अंदर ही दफन कर दिया गया। ये नरसंहार कई सालों तक छिपा रहा। घर वाले अपने लोगों से मिलने आते, उनसे सामान ले लिया जाता, मिलने नहीं दिया जाता, संदेशा लेने की बात कह दी जाती। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। बाकी वो सब तो था ही, गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई और दमन। तो जनता फिर से त्रस्त होने लगी, लेकिन एकजुट नहीं हो पा रही थी, हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन दिसंबर 2010 में एक चिंगारी फूटी ट्यूनीशिया में। तब एक फल विक्रेता ने नगर पालिका की जाति से आजिज आकर खुद को आग लगा ली। इस घटना ने अरब स्प्रिंग को जन्म दिया और इसके बाद एक एक करके पूरे मिडिल ईस्ट में दशकों से तानाशाही चल रही थी जो वो खत्म होने लगी। लीबिया में 42 साल हो चुके थे। अरब स्प्रिंग की आग लीबिया में भी पहुंची और इसने गद्दाफी को खत्म कर दिया। इस स्प्रिंग के दौरान उसके 3 बेटे मारे गए, लेकिन जिस बेटे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी उसको लेकर हमेशा रहस्य बरकरार रहा। इस बेटे का नाम था सैफ अल इस्लाम अल गद्दाफी। उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD की थी। पिता का सबसे चहेता था, उसे अगला ब्रदर लीडर माना जा रहा था। सैफ ने पिता की गलत नीतियों का विरोध भी किया था, लेकिन अरब स्प्रिंग के समय वो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हो गया। पिता की हत्या के कुछ दिनों बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा सुनाई गई और फिर एक दिन माफ़ी भी दे दी गई। जिस ग्रुप ने उसको गिरफ्तार किया था उसने 2017 में उसे रिहा भी कर दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC आज भी सैफ अल इस्लाम की तलाश कर रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलना है। लंबे समय तक चर्चा रही कि सैफ जिंदा है भी या नहीं। फिर जुलाई 2021 में एक इंटरव्यू में सामने आया। सैफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स से किसी गुप्त जगह पर बात की। इसमें उसने लीबिया पर शासन करने की इच्छा जताई थी। अब सवाल ये कि आज कहानी क्यों सुना रहा हूँ। वजह है सैफ अल इस्लाम का पर्दे से बाहर आना। सैफ ने दिसंबर 2021 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया है। ये चुनाव 2019 में होने थे, लेकिन अलग अलग पक्षों के बीच चल रहे मनमुटाव के चलते इसमें देर होती गई। इस बार चुनाव के लिए 24 दिसंबर की तारीख तय हुई है। हालांकि नियमों को लेकर अभी भी पार्टियों में एकरूपता नहीं है। मसलन पिछले हफ्ते ये तय किया गया कि जो भी इस चुनाव को रोकने की कोशिश करेगा उस पर बैन लगा दिया जाएगा, और इस पर भी मतभिन्नता है। गद्दाफी की सत्ता से हटने के बाद से लीबिया सिविल वॉर से जूझ रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव मुल्क को स्थिरता देंगे और चुनाव के बाद बाहरी सेनाओं को भी बाहर जाना होगा। तो क्या सैफ अल इस्लाम के चुनाव जीतने की कोई संभावना है? कम है। लीबिया में हालांकि एक बड़ा धड़ा आज भी गद्दाफी के प्रति वफादार है, पर उसके सताए लोगों की संख्या कहीं ज़्यादा है। बाकी कैंडिडेट्स के पास आम लोगों का सपोर्ट है और वे लंबे समय से लीबिया की पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं। उनकी तुलना में सैफ को कम लोग जानते हैं। इंटरनेशनल स्टेज पर भी बैकअप की कमी है। पिता की विरासत के अलावा कुछ नहीं, और वो विरासत कैसी है इसके बारे में लीबिया की जनता से बेहतर कौन जानता होगा। आज का दुनियादारी यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। शुक्रिया। शुभरात्रि।